आज की क्लास में हम बात करेंगे अनदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की दैट इज स्पिलवे यदि हम स्पिलवे की बात करते हैं तो स्पिलवे बेसिकली कहां प्रोवाइड होता है डैम के ऊपर या तो डैम के ऊपर प्रोवाइड होता है या फिर डैम के साथ प्रोवाइड होता है या फिर रिमोट लोकेशन ऑफ डैम्स में हम लोग स्पिलवे को प्रोवाइड करते हैं जनरली इसे हम क्यों प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू कैरी द सर्पलेस फ्लड वाटर फ्रॉम अ सेफली टू डाउन स्ट्रीम रिवर हम लोग जो भी सरपलेस वाटर आता है एक्स्ट्रा पानी आता है फ्लड वाटर के कारण फ्लड के कारण तो रिजर्व वॉयर से बेसिकली उसको हम लोग क्या करते हैं सेफली डाउन स्ट्रीम साइड में हम लोग क्या करते हैं उसे डिलीवर्ड करते हैं इसीलिए हम लोग क्या है पिल्वे को यूज करते हैं बेसिकली इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग इस लो या तो फिर हम डेम के ऊपर या फिर डैम के साथ या फिर डैम से थोड़ा सा आगे हम लोग क्या करते हैं इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं सो बेसिकली डैम इसका ये एक बेसिकली एक्ट एज ए सेफ्टी वॉल्व के पर्पज से भी इसको हम लोग देखते हैं कि एक सेफ्टी वॉल ऑफ डैम जनरली एक्ट करता है स्पिलवे बेसिकली कैन कंस्ट्रक्टेड इधर अ पार्ट ऑफ मेन डैम सच एज ओवरफ्लो सेक्शन ऑफ अ डैम और एज अ सेपरेट स्ट्रक्चर ऑल टूगेदर इसे हम लोग डैम के साथ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर ये एक ऐसा पार्ट है जिसे हम लोग अलग स्ट्रक्चर से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑल टूगेदर नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं स्पिलवे की तो सफिशियंट कैपेसिटी ऑफ स्पिलवे इज स्पिलवेउ इंपॉर्टेंस स्पेशली इन द अर्थ एंड रॉकफी डैम इसे हम लोग यदि देखें तो अर्थ एंड रॉकफील डैम में ये इंपॉर्टेंट कैपेसिटी uh, का एक तरीका है कि हम लोग उसे देखते हैं जनरली यदि स्पिलवे की बात करें हम तो डिजाइन फ्लड डिस्चार्ज जो कि रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग पास करते हैं स्पिल से बेसिकली इसको हम लोग किससे निकालते हैं फ्लड राउटिंग मैथड से फ्लड राउटिंग मैथड हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि क्या होता है हमें बस ये याद रखना है कि हम इसे डिजाइन फ्लड डिस्चार्ज जो कि निकालना है हमें तो हम लोग स्पिल के ऊपर जो भी पानी पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकालते हैं बेसिकली और इस किस मेथड से निकालते हैं फ्लड राउटिंग मेथड से निकालते हैं यदि हम बात करते हैं स्पिलवे स्पिलवे हैव कैपेसिटी टू डिस्चार्ज मेजर फ्लड विदाउट डैमेज डैम डैमेज यदि वो डैम dam को डैमेज नहीं करता है यहां पर जो भी एक्स्ट्रा पानी आता है उसको क्या करता है ये सेफली अपस्ट्रीम स्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड पे क्या करता है डिलीवर करता है यदि हम स्पिलवे की बात करते हैं तो आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है स्पिलवे के वो हम देखेंगे

इसका एसेंशियल रिक्वायरमेंट नेक्स्ट आता है दैट दैट इज इट इट मस्ट बी सो लोकेटेड सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर ये जनरली हम लोग बात कर रहे हैं बार बार के की सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर की जनरली क्या होता है ये ऐसा लोकेटेड होना चाहिए कि जहां पानी हमारा आ रहा है ये वहीं पे बना होना चाहिए नेक्स्ट आता है दैट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट है दैट इज बॉन्डिंग सरफेस ऑफ स्पिलवे मस्ट बी इरोशन रेजिस्टेंस जो भी सरफेस है हमारा स्पिल वे का जो क्रेस्ट लेवल है वहां पर जो पानी का बहाव जैसे ही आता है तो वहां पर क्या होता है सरफेस को क्या करता है वो इरोइड करने की कोशिश करता है एक फोर्स लगता है वहां पर तो उस फोर्स से बेसिकली क्या होता है इट मस्ट बी वो कैसा होना चाहिए इरोशन रेजिस्टेंस होना चाहिए टू अवॉइड किसके लिए स्कोरिंग एक्शन के लिए स्कोरिंग बेसिकली क्या है मटेरियल को उधर से उधर स्कोर कराता है उसे हम स्कोरिंग एक्शन बोलते हैं और ये मस्ट भी एनर्जी बेसिकली पर क्या आर रिक्वायर्ड ऑन डाउन स्ट्रीम साइड यहाँ पर क्या है एनर्जी डेसिपेटिंग डिवाइस भी रिक्वायर्ड होते हैं कहां पर डाउन स्ट्रीम साइड पे जहां पर पानी गिर रहा है यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट तो टाइप ऑफ स्पिलवे में बेसिकली यदि हम बात करें तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिलवे सबसे पहले आता है इट इज बेस्ड ऑन द यूटिलिटी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग यदि स्पिलवे का टाइप्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इसमें आता है दैट इज मेन स्पिलवे सेकेंड वन आता है इसमें एमरजेंसी स्पिलवे यदि हम मेन स्पिलवे की बात करते हैं तो मेन स्पिलवे बेसिकली क्या है इट इज फर्स्ट टू कम इन टू ऑपरेशन सबसे पहले जो भी ऑपरेशन में स्पिलवे आता है दैट इज मेन स्पिलवे इट इज डिजाइंड टू पास द इट इज बेसिकली किस लिए डिजाइन होता है इंटायर जो भी फ्लड का वाटर आता है जो भी बाढ़ का पानी आता है उसे क्या करता है ये पास करने के लिए काम में आता है इट इज ऑल्सो नोनस इसे हम अलग नाम से भी बोल सकते हैं दैट इज सर्विस स्पिलवे भी इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि एक मेन स्पिलवे है बेसिकली तो इसलिए हम लोग इसे अलग नाम से भी बोल सकते हैं दैट इज सर्विस स्पिलवे नेक्स्ट आता है बेसिकली दैट इज द इमरजेंसी स्पिलवे यदि हम एमरजेंसी स्पिलवे की बात करते हैं तो इमरजेंसी कंडीशन में इसको हम लोग ऑपरेशन कराना है तो इसे हम लोग क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं इट इज जनरली ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड जब ज्यादा पानी हमारा स्पिलवे में आ जाता है फ्लड का पानी ज्यादा ही बढ़ जाता है हमारा तो हमें उस पानी को क्या करना पड़ता है डाइवर्ट करना पड़ता है और अनदर पार्ट ऑफ हमें क्या करना पड़ता है स्पिल वे लगाना पड़ता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज अनदर दैट इज एमरजेंसी स्पिलवे यदि हम बात करते हैं इमरजेंसी स्पिलवे नेक्स्ट यदि टाइप की बात करें हम लोग तो इस अकॉर्डिंग प्रोमिनेंट फीचर के अकॉर्डिंग भी हमारे कुछ स्पिलवे के टाइप्स हैं आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप that, there are, there are different, different types, सबसे पहला आता है दैट इज स्ट्रेट ड्रॉप सबसे पहला हमारा क्या आता है दैट इज स्ट्रेट ड्रॉप सेकेंड वन इज बेसिकली हमारा क्या आता है ओगी ओगी स्पिलवे नेक्स्ट यदि हम देखें इसमें स्पिलवे में दैट इज साइड चैनल यदि नेक्स्ट आता है हमारा बेसिकली नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यदि देखे तो शूट आता आता है है उसके बाद हमारा शाफ्ट एंड जो कि किस पे बेस्ड है उसके प्रोमिनेंट फीचर पे बेस्ड है दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिलवे यदि हम लोग बात करते हैं स्पिल वे में तो स्पिलवे में हम लोग जनरली गेट प्रोवाइड करते हैं टू उस पानी को हम लोग क्या कर सके कंट्रोल कर सके डाउनस्ट्रीम साइड ले जाने के लिए तो उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है गेट लगाने पड़ते हैं उस गेट गेट के भी अलग अलग टाइप्स के गेट लगते हैं वहां पर भी तो बेसिकली सबसे पहले आता है दैट इज फ्लश बोर्ड और स्टॉप लॉक गेट जनरली जो प्रोवाइड किया जाता है सेकेंड वन आता है दैट इज रेक्टेंगुलर लिफ्ट गेट थर्ड वन इज बेसिकली रेडियल गेट्स आता है और फोर्थ वन हम देखें तो ड्रम गेट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं स्पिलवे क्रेस्ट पे सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अकॉर्डिंग टू द स्पिलवे हम लोग कितने टाइप ऑफ स्पिलवे देखा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पिलवे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अलग अलग यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अलग देखा हमने प्रोमिनेंट फीचर के अकॉर्डिंग अलग देखा हमारा स्पिलवे का क्या मेन रिक्वायरमेंट है वो हमने देखा और हमारा स्पिलवे होता क्या है बेसिकली हमने ये देखा सो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल थैंक यू वेरी मच